सफ़र की शुरुआत हुई थी मेरे घर से, स्टेशन स्टेशन से हम लोगों का ये सफ़र स्टार्ट हुआ जो कि ख़त्म हुआ वाराणसी जाके। यानी बर्थडे से आज है, आज हमारी बर्थडे से मैं मजा करवाना है बराबर से। वो कॉलेज चार पांच वस्तु थे वो खोलवाने बात कह रही है। खम्मान ढोकला पापड़ थेपला। यूट्यूब पर मुको लो विपिन भाई मोड़ो छुपाई खावा मकान छे नथी नो चा नो खान नो खान नो खान नो खांड नो खांड आने खाई लेने नो खांड बेटा एक जगह तो नो जमे के ले नो जान नो को ना चा चा छे नो चा आई एग्जिस्ट एक भाई तो एम बात करता था हम हैं कालीन भैया और ये है मिर्जापुर। અમે બધા વારાણસી પહોંચી ગયા છે અને પહોંચી ગયા છીએ, બધા લોકો વેઇટ કરે છે બહાર ઉભા રહીને। ધીસ ઇઝ લાલી બટ આઈ એમ નો યાર નમસ્તે નમસ્તે। હવે અમે પહોંચી ગયા છે
હવે જોઈએ છે હમણાં અમારું ચેકિંગ થાય એટલે અમે રૂમમાં તો હોઈ જવાના પછી બધી વાત રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે પણ ચાલુ છે डेस्टिनेशन जहाँ पे रिंग सेरेमनी है रमाडा Oh, 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 oh.
પકડાઈ ગયો, આ માણસ ખાટો પકડાઈ ગયો છે. કલાકો દેખાવામાં આવશે એટલે કોઈ ડિસ્ટર્બ કરવો નહીં. સહી બોલો, સહી પ્યાર और ये आप देख रहे हो, हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन की ओर.
बैठ जाओ कब भी ऑटो मत करो साले। यहाँ पे लिटरली 5 किलोमीटर भी नहीं था रेलवे स्टेशन, तब भी हम लोगों से 100 रुपये की डिमांड हुई है। यहाँ पे 100 रुपये लगेगा, 5 किलोमीटर में कौन 100 रुपये दे, 5 किलोमीटर भी नहीं देखिए, 1.5-2 किलोमीटर हो गए मेरे हिसाब से, 2 किलोमीटर में भी 100 रुपये। अब हमने बोला थोड़ा आगे, यानी 100 मीटर भी नहीं है, छोड़ दो, तो वो बोलता है 100 रुपये दो हमको, हम छोड़ देंगे। यानी अभी आप अगर आओ तो कभी मत लो, उससे बेटर है ओला उबर। इसमें मैंने काफी शूट नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है ट्रेन का सफर मेरा। फोटा जो इच्छे रेडिसन में पाड़ेला सूरत में एक्चुअली सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा, जितना दिख रहा है उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जितना हो सकता है मेरे से पॉसिबल उतना मैं दिखा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए उतने वीडियो, क्योंकि
काफ़ी शॉर्टेज भी है इसीलिए नहीं मिल रहा। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो देखा और मैंने सोचा कि मैं भी ये बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे बनता है घर पर मास्क। आप लोगों को करना है कुछ नहीं है, सिंपल एक टी शर्ट लेना है जैसे कि मैंने ली है एक टी शर्ट वाइट या तो कोई भी कलर। आप मैंने मेरे पास वाइट थी और अच्छी थी तो मैंने सोचा यही मैं लूँ। मैंने ऑलरेडी वॉश किया हुआ है, आप भी वॉश करके यूज़ कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको करना ऐसे करना है, यहाँ यहाँ, और चेक करना है कि पूरा अपना नाक का एरिया जो है वो ढक दिया ढक जाए और फिर ऐसा हो जाएगा। फिर एक ऐसे करके आपको तीन लेयर करना है, कैसे भी करके तीन। ओके मैंने कर लिया है। फिर इसको हम ले लेंगे पीछे की साइड। पीछे की साइड से क्या करना है, आपको मुड़ना है और पूरा जोश से यानी पूरी ताकत से टी शर्ट को आगे की ओर लेना है और ऐसा ही करना है, सिंपल ऐसा करना है कि जैसे आपका फेस कवर हो जाए और सब कुछ क्लियर हो। और अभी साथ देने में दिक्कत हो रही हो तो आप भी नीचे भी कर सकते हो, मगर मेरा मानना है कि नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं हो रहा दिक्कत इसलिए।
और अगर आपको और चाहिए तो ऐसा करके आप ले सकते हो, एक लेयर तीन लेयर इसमें आप एक्स्ट्रा कर सकते हो तो आप अपने आप को बचा सकते हो। तो आपके ऊपर हो गया, आप चश्मा पहन लेना बाहर जाओ तो यानी आपकी आँख नाक गला मुँह कान सब ढक जाएगा। और आशा रखता हूँ कि आप लोग ये फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। और ये ऑलरेडी वीडियो रोनित रॉय जी ने बनाया है, बहुत सारे सेलिब्रिटियों ने मे भी बनाया होगा, मैंने रोनित रॉय का देखा है इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। धन्यवाद। इंस्टॉल करना चाहिए बॉयकॉट मेड इन चाइना सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर, क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम एक साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा इंटरनेट से ऐप लाखों में करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज पर पहुंचा सकती है जहां पर की बातचीत हो शांति की। तो जाते स्कैन नाउ पे क्लिक किया है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑसम, नो चाइना ऐप फाउंड। ठीक है, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, कंट्री का नाम आपको टाइटल पे शायद पता ही चल गया होगा। लोगों का सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, जा रहे हैं बोर्डिंग लेने।
बाइक यूट्यूब चैनल और हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया। कंट्री का नाम आपको टाइटल पे शायद पता ही चल गया होगा। ये मेरे साथ है अभिराज। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. सामान निकल रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं ये खूबसूरत एयरपोर्ट E3 दिल्ली के हवाई अड्डे पे पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी हम लोगों का सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया है, यानी वो नहीं, बैग लगेज जो बोलते हैं वो चेक हो गया है। अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग लेने। वो रहा एम वो। So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic. तो सिक्योरिटी चेकिंग हो गया है और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं गेट जो है अपना, वहीं जा रहे हैं हम लोग, मैं और अभिराज। मैं भी सब कुछ हो गया। ये आप देख रहे हो पीछे जो भी वो दिल्ली ड्यूटी फ्री की है चीज़। Go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself. Plaza Premium Lounge, जहाँ हमें जाना है, लॉन्च लिखा ही रहेगा। आप लोग आओगे ना टर्मिनल 3, T3 से गेट नंबर 1 की तरफ आ जाना। गेट नंबर 1 के बाद ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर होगा वहाँ, यानी यहाँ आ जाओगे आप। यहाँ पर सब बैठे हुए। अच्छा तो मैं अभी आ गया हूँ ये फर्स्ट क्लास लाउंज में। यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं इसलिए मैं शायद स्लो बोलूँगा और आप लोगों को भी दिखेगा, यानी सुनाई दे तो ठीक है वरना सॉरी। और अभी मैं थोड़ा नॉर्मल हल्का सा नाश्ता लेने जा रहा हूँ क्योंकि अभी राज नहीं आया तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। एक्चुअली अगर आपके पास मास्टर कार्ड रहेगा तो आप ये लॉन्च का फ़ायदा ले सकते हो विथ चीपर रेट, यानी एक्चुअल में अभी आपको पैसा खर्च करना हो तो 2140 समथिंग ऐसा है। मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का है और मेरा कटा है 25 रुपीज़ कटा है, आप देख सकते हो 25 रुपीज़। और टाइम हुआ है 10:33 क्योंकि एक घंटे का ही वेट है, तो मैंने सोचा कि आधे घंटे में यहाँ बैठ रहा हूँ और आधा घंटा मैं अभिराज के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो क्या एवरेज मेंटेन हो जाएगा। बाहर है अलमाटी एयरपोर्ट के, कल सुबह 4 बजे लेने आ जाएंगे हमें। और 5 मिनट ड्राइवर ने बोला 5 मिनट भी हम लेट तुम लोगों हुए तो हम निकल जाएंगे। चप्पल हम फोन रख सकते हैं यहाँ पर, फोन या कुछ भी, एनीथिंग, लुक एनीथिंग। ये एक छोटा सा टूथब्रश,
जो कि हम अभी नहीं खोल रहे हैं, छोटा सा टूथब्रश और ये एक आइस पैक है, आई मास्क है यार, आई मास्क। सॉरी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है आई मास्क की, ताकि प्लेन में सोने में क्वालिटी एकदम अच्छी है। एकदम तुम्हारा भाई लेता है विंडो टिकट, तो विंडो सीट ही चाहिए और एग्जिटली एयर विंग्स हमारे नीचे आएगी। वो ये कंट्रोल कर पाएगा? हाँ, शायद नॉट श्योर, शायद कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि विंग्स तो पता ही रहता है। और वो रहा एयर इंडिया, ये अपना आया, ये बहुत पसंद आया यार, कितनी छोटी सी है और क्वालिटी भी बढ़िया है। बात चल रही थी, वो ले भी लिया और नॉर्मल ठंडी है, इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा, और राइट नाउ वी आर एट बाहर है अल्माटी एयरपोर्ट के, नॉर्मल ठंडी लग रही है, देख सकते हो एटमोसफियर इज टू गुड। और जा रहे हैं हम अपनी होटल की ओर, रमाडा। हाँ, रमाडा, किसने रमाडा वो नहीं पता अभी। होटल पिकअप यानी कल सुबह 4 बजे लेने आ जाएंगे हमें, और 5 मिनट ड्राइवर ने बोला 5 मिनट भी हम लेट तुम लोग हो तो हम निकल जाएंगे। यानी अभिराज अच्छा है एक्चुअली, और हमारी सवारी वो रही मे बी ते हो। ठंडी नॉर्मल है। किसके शिवेचनों में, शिवेचनों में लामू
sounds. पागल है तू, बैग बैग कार के अंदर रह गया तू, और थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा। अच्छा तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अलमाटी। अलमाटी एक्चुअली यहाँ पे स्टॉप हमारा है 14 घंटे का, और आपको पता हो या ना हो मैं लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप रशिया जा रहे हो एयर अस्थाना के थ्रू, तो वो एयरलाइंस आपको एक स्टॉप ओवर प्रोग्राम चल रहा है, वो उसमें आप अपना एक होटल बुक कर सकते हो जो कि पर पर्सन $1 है, ओनली जस्ट $1, जो कि आप एयर अस्थाना की वेबसाइट से भी आप पता चल कर सकते हो। तो हम लोगों ने भी सेम वही चीज़ की थी, हम लोगों ने, मैं और मेरा फ्रेंड अभिराज, तो हम दोनों ने भी सेम वैसे ही बुक की हमारी ये होटल। ये होटल है रमाडा, आप सभी को पता ही होगा कि वो कितनी बड़ी होटल है और उन लोगों की सर्विस भी कितनी अच्छी है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से पहले ये शेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन स्पेशल आप लोगों के साथ शेयर की। और हाँ, मेन चीज़ आपको XYZ एयरपोर्ट पे बताना पड़ेगा, जैसे मुंबई से आ रहे हो या दिल्ली से, ज़्यादातर फ्लाइट दिल्ली से ही होती है अस्थाना की, आप अपने बोर्डिंग पास लेते हो तभी आप उनको बताना ज़रूरी है कि हमने ये स्टॉप और प्रोग्राम में हमने रजिस्टर किया है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। और हाँ, मेन चीज़ जब आप अलमाटी पे स्टॉप आओगे तो वहाँ ग्राउंड स्टाफ से भी आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, और वही आप लोगों को बताएंगे कि ये एक्स स्टेप लीजिए। उनके पास एक पेपर वीज़ा होगा, पेपर यानी कुछ फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना। हमसे तो अभी कोरोना चल रहा है, तो इसीलिए क्या कोरोना के रिगार्डिंग सब डिटेल्स फिलअप करवाई थी, शायद मैंने फ़ोटो ले रखी होगी, तो मुझे याद नहीं, मेरे फ्रेंड ने शायद ली होगी, तो मैं ये वीडियो के साथ साथ रख दूँगा कि क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो लोग। ये तो हो गया बेड, ये ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यानी क्या ये टीवी जो कि म्यूट है क्योंकि लैंग्वेज नहीं पता चले, ये बेड बहुत ही काफ़ी अच्छा है, फिर वॉशरूम है। पागल है तू, बैग कार के अंदर रह गया तू, और थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा। सिर्फ आप लोगों का व्हाट्सएप चेक करेंगे, यहाँ क्यों आए हो वो सब पूछेंगे वगैरह वगैरह। उतरो, इट मीन्स गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुझे रोकेंगे। हाँ, एक्चुअली ज़्यादा मुझे रोका, इसको नहीं रोका, इसको सीधे निकाल दिया, मेरे को रोका, और सीरियसली नहीं, टेंशन कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। वो सिर्फ आप लोगों का व्हाट्सअप चेक करेंगे, यहाँ क्यों आए हो वो सब पूछेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि वो उनका प्रोटोकॉल है और वो फॉलो करते हैं, तो हमें भी उनके साथ देना पड़ेगा। मैं जस्ट ऐसे ही जहाँ बैठा है वहाँ बैठ गया और मस्त गेम खेलने लगा। दो बार एक्चुअली जो ऑफिसर थे उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे बुलाया, क्योंकि बोला ही कुछ और था, इसीलिए लाइक नाम हमारा कुछ और होता है, वो बोलते हैं कुछ और, इसीलिए थोड़ा इश्यू रहा, लेकिन अच्छा है DMR जो ये जो एयरपोर्ट है। अभी हम लोग जा रहे हैं सिम कार्ड लेने। ये एयरपोर्ट एकदम ज़ोरदार है, SVO से भी शायद अच्छा होगा। इमिग्रेशन थोड़ा टाइट है क्योंकि वो लोग प्रोटोकॉल बहुत फॉलो करते हैं ये लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं पहले सिम कार्ड लेने, सिम कार्ड के बाद जाएंगे येंडेक्स टैक्सी है। अगर आप लोग रशिया आ रहे हो तो येंडेक्स ही यूज़ करो या तो उबर,
क्योंकि बहुत चीपर रहती है। और जो प्राइवेट टैक्सी है वो मत लो, क्योंकि उसमें आप लोगों का कट्टा ही है, वो लॉन्ग रूट से ले जाते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप रशिया से हो नहीं, दैट्स वाई। हेलो गाइस, हम लोगों ने सिम कार्ड लिया है और आपको भी अभी आप रशिया आ रहे हो तो MTC करके एक है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा क्योंकि 1000 रुपये में ये आपको एक महीने अनलिमिटेड इंटरनेट वो भी 4G देगा यूज़ करने के लिए, और ये पूरे रशिया में करता है वर्क। तो अगर आप भी ये एयरपोर्ट पे आते हो तो एग्ज़िट के बाहर ही, एग्ज़िट आओगे ना, यहाँ पे हम लोगों ने मनी एक्सचेंज किया और देन हमने सिम कार्ड बाय किया। It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. हमने यंडेक्स से टैक्सी बुक कर ली है। राइट नाउ अभी हम जा रहे हैं जो हमारी अपार्टमेंट है वहाँ सीधा, मॉस्को सिटी सेंटर से करीबन 5-1 किलोमीटर ही दूर है। लेकिन अभी जाएंगे, मस्त खाना तो खाएंगे ही, पहले नहाना है फिर खाना है। How to speak our name? Like, wait a second. How to speak our name in Russian? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Утро. Okay, доброе утро. It means good morning. Доброе утро. Right? And night. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ये थोड़ा बिखरा है क्योंकि जस्ट हम वॉइस लोग का रूम है भाई। हाँ, वॉइस का तो है ही, लेकिन क्या हम जस्ट अभी जागे तो अरे सॉरी, यहाँ पुलिस ने चलन काटा है, चलन। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रेड स्क्वायर, यहाँ की सबसे पॉपुलर जगह है। 15 मिनट में हम वहाँ होंगे, लेकिन मैं आपको जितना हो सके उतना दिखा सकता हूँ। यहाँ की स्ट्रीट बहुत अच्छी है बेसिकली, यहाँ जब भी आप आओगे तो स्ट्रीट बहुत ही अच्छी है, यू लव इट। अगर आप लाइक मेरी होटल जैसे भी बोल के उनको मैंने पूछा, होटल वालों ने थोड़ा अच्छे से गाइड किया, क्योंकि यहाँ बाहर लैंग्वेज की दिक्कत बहुत होती है, क्योंकि इन लोगों को ना तो इंग्लिश ज़्यादा आती है, इसीलिए क्या आप गूगल ट्रांसलेटर का हेल्प ले सकते हो, उसमें सब जगह पे तो मेरे हिसाब से रहता ही है वाईफाई। अगर नहीं हो तो आप एयरपोर्ट से भी करवा सकते हो परचेज़, एयरपोर्ट से भी आप परचेज़ कर सकते हो। मैं एक्चुअली फंबल हुआ क्योंकि मैंने ये 360 देखा ना, इसीलिए।
आवाज़ सुनाई ना दे तो मैं नीचे लिख दूंगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा माइक लाया नहीं हूँ। मुझे लगा कि इतनी आवाज़ नहीं होगी और वॉइस इतना ख़राब शायद हो ना हो, पता नहीं है, वो तो मैं बैकअप लूँगा तभी पता चलेगा। यहाँ पे बवाल हो चुकी है, यहाँ पे दो लोग, यहाँ पे जैसे जिसको कुछ करना है वो सब कुछ कर सकते हैं। दो आंटियाँ लड़ रही है, बवाल कर रही है, हमारे गुजराती भाषा में बोले तो लड़ रही है दोनों। मस्त टनल टाइप है, रिचार्ज जल्दी हो जाता है, यहाँ पे बैटरी बहुत लो है, कैमरे की बैटरी तो है ही नहीं अभी, मैं GoPro से कर रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं रेड स्क्वायर, हाँ एंड वी आर एट अ रेड स्क्वायर जो कि यहाँ की बहुत फेमस जगहों में से एक है। हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर, ओके तो मैं आपको दिखाऊंगा।
स्टेडियम या तो हम सुबह से बाहर गए थे पहले तो मैगनेट ढूंढने जो कि हमें नहीं मिला, लेकिन वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कहाँ मिल सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि चेकआउट करना था होटल रूम और इसके लिए हमने वो नहीं ख़रीदा, लेकिन हाँ सेंट पीटर्सबर्ग से हम वो ख़रीदेंगे और थोड़ी बहुत अच्छी खासी शॉपिंग भी करने का प्लानिंग है अभी तो। और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर जो कि वहाँ से हमें बस मिलेगी हमारी। दिस इज इंटरनेशनल बस स्टेशन, अभी देखते हैं अंदर जाना जाएंगे फिर पता चलेगा। कुछ खुला भी नहीं है इसलिए हम अभी जस्ट ये स्टोर पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए और कॉफ़ी पी रहे हैं अभी। अभी हम लोग है यहाँ पे जहाँ ये एग्जैक्टली स्टेशन के बाजू में ही एक कैफ़े जैसा है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि थोड़ी ठंड कम हो और हम जाए और थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे सस्ता यही है मेरे हिसाब से, चिप्स वगैरह नॉर्मल प्राइस नहीं है यहाँ पे इंडिया जैसी। अच्छा तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सेंट पीटर्सबर्ग्स पहुँच चुके हैं हम लोग। हम ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं ऑलरेडी इनसाइड, ये पीछे अभी आज का हम देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी सिटी है और बहुत शांत एटमोसफियर था, बाहर ठंडी बहुत थी इसलिए कि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पूरे हाथ जमे पड़े थे इसीलिए। अभी मैं थोड़ी देर में ये सब प्रोसेस ख़त्म होकर सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे करके कि कैसा है हमारा होटल और चेक इन। और यहाँ के स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल है, उनको इंग्लिश भी आती है, मेन चीज़ हम इंडियन को यही है कि बाहर आते और इंग्लिश का बहुत इश्यू होता है कि यहाँ रशियन लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते तो क्या करें, तो आप ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यूज़ किया था, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और अभी मैं आप लोगों को छोटी सी टूर दूंगा मेरी होटल की टूर जिसमें आप सबको दिखेगा कि होटल का नाम क्या है। मैंने booking.com से बुक किया था, वेलकम करके होटल है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं थी जैसे कि वॉशिंग मशीन वगैरह। Until the dawn breaks, no, till it's all said.
погоды и время для автобусных путешествий, теплый, уютный, комфортабельный автобус ждет вас на обзорную. देख रहे हो मेरे पीछे जो है वो भी एक अच्छा खासा अट्रैक्शन है यहाँ का। अगर आप आ रहे हो तो आप एक साथ ही एक दिन में सारे म्यूज़ियम कवर कर सकते हो, सिर्फ बाहर से फ़ोटो खींचने और वो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी और आप अंदर जा सकते हो। पॉकेट अपना जो वॉलेट बोलते हैं वो खो दिया है, कहाँ रखा वो नहीं मालूम मुझको, अभी देख रहा है। काफ़ी टाइम के बाद कुछ इंडियन शायद भी है, काफ़ी टाइम
I don't know.